नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं इधर, ये मैंने यहां पर हमेशा की तरह पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 8। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल। बच्चों यहाँ पर कुछ मेजरमेंट गिवन है और साथ ही हम वही करेंगे जो 4.1 में किया था। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक रफ फिगर बनानी होगी। ये मैं यहाँ पर एक रफ फिगर बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं एक रफ फिगर ऐसे बना देता हूँ। इस टाइप से आप एक रफ फिगर बना सकते हैं और उसका नाम रखना LIFT, LI ये F और ये T। साथ ही आपको इसको जो इसमें लेंथ है वो भी इसमें लिख लेनी है। LI है 4 सेंटीमीटर, IF है 3 सेंटीमीटर और TL जी हाँ, ये TL इसमें है 2.5 सेंटीमीटर। ये TF इसमें नहीं गिवन है, इसमें LF गिवन है बच्चों। ये LF ठीक है, इसके है 4.5 सेंटीमीटर। और IT जी हाँ, ये वाली ये जो दूसरा डायगोनल है ये IT इसमें गिवन है, ये है इसमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हम इसको बनाएंगे और बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। आइए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, LI यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने इसके ले लिया है, LI हम इसमें एक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप देखिए LI 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 1 से लेके ऐसे और 4 सेंटीमीटर पर ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको घुमा दे रहा हूँ। मैंने बताया एक लॉजिक होता है क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो उसमें जाकर वो पेंसिल अटक जाती है। ठीक है, LI हमने इसमें ड्रॉ कर ली है, ये LI हमने इसमें 4 सेंटीमीटर हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या होगा, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए LT, ठीक है LT, तो हमें LT 2.5 सेंटीमीटर रेडियस लेनी है। ये देखिए यहाँ पर ए 2.5, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ए 2.5 सेंटीमीटर मैंने रेडियस ले ली है। और विद सेंटर L, ठीक है बच्चों जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना है, विद सेंटर L एंड टेक रेडियस LT 2.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क ऑफ ए सर्कल। इस टाइप से हमें सर्कल ये लगा देनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये मैंने लगा दिया है। अब आपको करना क्या होगा बच्चों, यहाँ से IT है 4 सेंटीमीटर, तो हम I को सेंटर मानेंगे और ये देखिए 4 सेंटीमीटर विद सेंटर I एंड टेक रेडियस IT 4 सेंटीमीटर, ड्रा अनदर आर्क ऑफ ए सर्कल दैट इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट T। यहाँ पर T पर इसने इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर मैं ये इस टाइप से डॉट लगा देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैंने लगा दिया है। अब हमें करना क्या है, अगेन विद सेंटर L, यहाँ पर LF देखिए, ये सॉरी L नहीं है, I है ये, हाँ विद सेंटर I एंड टेक रेडियस IF 3 सेंटीमीटर। आइए हम इसमें 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये विद सेंटर I एंड टेक रेडियस IF 3 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है बच्चों, ये मैंने यहाँ पर सर्कल लगा दी है। अब आपको यहाँ पर LF देखिए, LF है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की एक हम रेडियस लेते हैं, ठीक है लेंथ लेते हैं, और विद सेंटर L एंड ड्रा एन आर्क 4.5 सेंटीमीटर दैट इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट F। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं इसको ऐसे ठीक है, ये इंक्रीज कर दिया मैंने। अब आपका काम पास रह गया काम ज्वाइन करने का। जी हाँ, ज्वाइन करने का, मैं इसको पेन से ही ज्वाइन करूँगा ताकि आपको फिगर अच्छे से समझ सके। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे IT। ठीक है बच्चों, ये IT को मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर, और साथ ही LT को भी ज्वाइन करेंगे। ये LT को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर, और साथ ही इसमें IF को भी ज्वाइन करना है आपको। ये IF को ज्वाइन किया और बाद में हम इस TF को भी ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, और साथ ही LF को भी ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये तो गिवन है इसमें। ये देखिए, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, और साथ ही इसमें जो जो लेंथ गिवन थी वो हम लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर।
ये हाँ सॉरी 3 सेंटीमीटर, 3 को मान लें 3 सेंटीमीटर, और ये है 4.5 सेंटीमीटर, और ये वाली है आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। जैसे जैसे इसको बनाया है वैसे वैसे इसको लिख लेना है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। हालांकि ज़्यादातर स्कूल वाले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखवाते हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों, जैसे जैसे हम बनाते हैं सबसे पहले हमने क्या किया वो हमें यहाँ पर नंबर वन से लिखते हुए जाना है, उसके बाद क्या किया। ठीक है बच्चों, तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।